प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज रात्रि 9 बजे शहर के लोगों ने मोमबत्ती, दिए, टॉर्च व मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। इस दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी गया शहर के सर्किट हाउस के प्रांगण में मोमबत्ती जलाकर प्रधानमंत्री के आह्वान को समर्थन दिया। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए दूरी बनाकर मोमबत्ती जलाई। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा रात 9 बजे टॉर्च, दिए, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने का आह्वान किया गया था। इसी को देखते हुए आज हमने मोमबत्ती जलाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक एवं साहस उत्पन्न करने को लेकर यह आह्वान किया गया था, जिसका अनुपालन किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। उन्होंने शहरवासियों से कहा कि आज के इस कार्यक्रम से लोगों को कोरोना के प्रति लड़ने में साहस उत्पन्न होगा एवं इस बीमारी से बचाव भी होगा। चला के पड़ के जलाई तू जले जलाई तू एक बार ले लेंगे लास्ट जल जाएगा तो सर है कितना जलाई भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ हाँ थोड़ा जल्दी कहिए लाइट ना मंत्री जी। हाँ दिया जला रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है, है देश को जिताना है। कोरोना हारेगा देश जीतेगा, कोरोना हारेगा देश जीतेगा, करो भारत जीतेगा। कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। ठीक है बोल दो ले लो ये जी। बताए सर और नीचे करना ना ना ठीक है। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज देशवासियों ने 9 बजे रात्रि में आज 9 मिनट का हम लोगों ने दीप जलाकर आज कोरोना से पूरा विश्व एक संकट के दौर से गुजर रहा है और इस कोरोना को भगाने के लिए इसके खिलाफ इस जंग में पूरा भारत एकजुट अपनी संवेदनशीलता एवं राष्ट्रभक्ति की विशाल विशाल काम कर रहा है जाकर के। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में देशवासियों ने उनके कुशल आह्वान पर उनके कुशल नेतृत्व में पूरे देशवासियों ने आज 9 बजे रात्रि में 9 मिनट के लिए और कोरोना जैसे जो राक्षस है इस राक्षस को समाप्त करने के लिए जो आज संकल्प लिया गया है, लोगों ने भारतवासियों ने एकजुटता का जो परिचय दिया है, आज पुनः हम लोगों ने मिलकर कोरोना जैसे अंधकार रूपी राक्षस को चुनौती दी है। इस महामारी को प्रकाश की ताकत का एहसास कराया गया है
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है और आज निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अगाध आस्था एवं राष्ट्र की एकता की ताकत के प्रकाश का परिचय कराया है। मुझे पूरा विश्वास है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश जिस प्रकार एकजुट है, बहुत जल्द ही अपना देश इस महामारी से मुक्त हो जाएगा। वह समय थोड़ा सा और धैर्य एवं संयम बनाए रखने की जरूरत है।